हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल एसटीजी रेसिपी ब्लॉग में। तो मैं आ गई हूँ आज फिर एक नई रेसिपी के साथ। तो मैं बनाने वाली हूँ आज काजू बटर पनीर, जो बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनेगी फ्रेंड्स। और एक बार इसे बना लोगे तो बार बार आप इसी तरीके से बनाओगे। रेस्टोरेंट ढाबा से भी टेस्टी आप घर में बना करके रेडी कर सकते हो काजू बटर पनीर। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे कैसे बनती है और हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने ले लिया है यहाँ पे पनीर। तो हमने यहाँ पे 400 ग्राम पनीर ले लिया है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। और हमने यहाँ पे काजू ले लिया है, दो टमाटर और दो प्याज और 3 से 4 हरी मिर्च हमने यहाँ पे लिया है, आधे इंच अदरक का टुकड़ा लिया हुआ है और 8 से 10 लहसुन की कलियाँ लिया हुआ है। तो हम यहाँ पे 400 ग्राम पनीर बनाएंगे। 400 ग्राम पनीर बनाने के लिए यहाँ पे हमने उसको कट करके रख लिया है और यहाँ पे हमने काजू को फ्राई करके रख लिया है। और पनीर को भी हम क्या करेंगे ना कि उसे फ्राई कर लेंगे। तो छोटे छोटे टुकड़ों में हमने पनीर कट किया है। आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा जितना बड़ा पीस रखना चाहते हो आप पनीर को कट कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पनीर को फ्राई कर लेंगे और फ्राई करके इसमें जो कच्चापन होता है ना पनीर का, वो थोड़ा सा निकल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा हमें लाल नहीं करना है, सिर्फ 2 मिनट के लिए हम इसे फ्राई कर लेंगे हल्का सा और इसे हम निकाल लेंगे। और अब हम क्या करेंगे ना कि यहीं पे काजू भी फ्राई करके हमने रख लिया है। तो हमने यहाँ पे 20 से 25 काजू रखा था, उसको भी हमने फ्राई कर लिया है। और यहाँ पे हमने जो प्याज टमाटर अदरक लहसुन हरी मिर्च रखा था ना, उसको भी हम इसी कढ़ाई में फ्राई कर लेंगे। तो क्या करेंगे कि हम इसे 5 मिनट के लिए एकदम सॉल्टी होने के लिए भून लेंगे। तो देख सकते हैं कि अच्छे से ये भून चुका है। तो अब उसे हम निकाल लिए हैं एक बर्तन में और उसे ठंडा कर लेंगे। तो इस तरह से आप ग्रेवी बनाओगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा फ्रेंड और फटाफट से बन भी जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने काजू और पनीर को फ्राई करके साइड में रख लिया है और ग्रेवी बनाने के लिए हमने उसे भी फ्राई करके रख लिया है, टमाटर प्याज अदरक हरी मिर्च लहसुन। अब इसको हम क्या करेंगे, ठंडा करके एक मिक्सर जार के बाउल में इसके पीस लेंगे हम। तो एकदम बारीक पीस लेंगे और इसमें हमने डाल दिया है 5 से 6 काजू। तो इसमें 5-6 काजू अगर आप डाल देते हो ना इस तरह से, तो बहुत ही शानदार इसकी ग्रेवी बनेगी, एकदम मक्खन जैसी मुलायम सी इसकी ग्रेवी बन के रेडी होगी फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप लोग एक बार ज़रूर से बना करके देखिएगा। तो चलिए अब उसको हम पीस करके रख लेते हैं साइड में और उसको अब हम रख देते हैं कढ़ाई। तो सबसे पहले हम गैस जला करके रख देंगे कढ़ाई। उसमें हमने डाल दिया है 2 चम्मच ऑयल और यहाँ पे हमने डाल दिया है 1 तेज़पत्ते, 1 बड़ी इलायची जिसका हमने मुँह खोल करके ना थोड़ा सा कूट करके डालना है ताकि उसमें अच्छा सा फ्लेवर आए। और यहाँ पे दालचीनी और 1/2 चम्मच हमने जीरा डाला है। और अब इसमें हम जो भी ग्रेवी बनाए थे ना उसको यहाँ पे हम डाल देंगे। तो ये प्याज टमाटर अदरक लहसुन मिर्च और इसमें जो हमने काजू पीस के रखा था उसे भी अब इसमें हम डाल करके अच्छे से इसका हम भून लेंगे। तो इस तरह से आप सारे मसालों को निकाल लेना है और इसे हम मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। तो ये हमारा मसाला लगभग पका हुआ ही है, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, सिर्फ 5 मिनट के लिए हमें इसे अच्छे से मीडियम फ्लेम पर करके भून लेना है। अब इसे हम क्या करेंगे ना कि थोड़ा सा गैस का फ्लेम कम कर देंगे और यहीं पे हम मिक्स कर लेंगे सारे मसालों को। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डाल देंगे यहाँ पे पनीर बटर मसाला है हमारा, सुहाना का पनीर बटर मसाला है, आप कोई भी डाल सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है, 1 चम्मच हमने यहाँ पे जीरा धनिया पाउडर डाला है और काली मिर्च का, और 1 चम्मच हमने यहाँ पे हल्दी पाउडर डाला है, और स्वाद अनुसार हम यहाँ पे नमक ऐड करेंगे। और इन सारों मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे लो फ्लेम पे ही भूनेंगे हम ताकि हमारे मसाले अच्छे से धीरे धीरे भून जाए। तो देख सकते हैं कि हमारे मसाले एकदम बिल्कुल भी क्रीमी बन के रेडी हुआ है। इस तरह से आप लोग भून करके रेडी करना है और मसालों को ना क्या करना है कि एकदम लो फ्लेम पे ही भूनना है फ्रेंड्स। अगर आप लो फ्लेम पे भूनते हो ना तो मसाले में अच्छे से खुशबू आती है और अच्छे से पक भी जाते हैं। तो अब देख सकते हैं कि हमारे मसाले की कलर बिल्कुल भी चेंज हो चुकी है, एकदम पक गई है अच्छे से हमारे मसाले। इस तरह से जब ऑयल ऊपर आने लगे ना तो इसका मतलब कि हमारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं। तो इस तरह से आप चला करके पका लीजिए अच्छे से मसालों को। अब हम क्या करेंगे ना कि जो मिक्सर जार में मसाला बनाए थे ना उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके हम वेस्ट नहीं करेंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लो फ्लेम पे ही इसे हमें पकाना है अच्छे से। तो इस तरह से हमारे सारे मसाले अच्छे से देख सकते हैं कि इसकी ग्रेवी बनके बिल्कुल भी रेडी हो चुकी है।
अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें से भी ऑयल ऊपर से आने लगा है, इसका मतलब कि हमारे ग्रेवी बन के बिल्कुल भी एकदम रेडी हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे ना कि यहाँ पे डाल देंगे बटर। तो हमने यहाँ पे एकदम ताजी बटर मिक्स करके हमने रखा हुआ है। तो ये दूध का जो मलाई होता है ना उसको आप अच्छे से एकदम मिक्स कर लीजिए, और मिक्स करने के बाद इसमें आप डाल दीजिए। इससे क्या होता है ना कि बहुत ही अच्छी सी फ्लेवर आती है बटर डालने से, और एकदम रेस्टोरेंट से भी अच्छा आप घर में बना करके रेडी कर सकते हो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो पनीर फ्राई करके हमने रखा था ना उसे भी डाल देनी है, और अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स करके चला लेंगे। तो देख सकते हैं कि हमारा काजू बटर पनीर एकदम बिल्कुल टेस्टी टेस्टी दिख रहा है ना। तो ऊपर से हम डाल देंगे जो काजू फ्राई करके रखा था ना उसे भी हम यहाँ पे मिक्स कर देंगे, और सारे मसालों को अच्छे से हम लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि हमारे मसाले अच्छे से पनीर में अब्जर्व हो जाए। और अब हम क्या करेंगे यहीं पे डाल देंगे थोड़ी सी चीनी। तो हमने यहाँ पे आधी चम्मच से भी कम थोड़ा सा, मतलब 1/4 टीस्पून यहाँ पे हमने चीनी ऐड किया। इससे क्या होता है कि बहुत ही अच्छी कलर भी आती है, और जो इसका स्वाद आता है ना, जो तीखापन से हल्का सा मीठापन जो आती है, बहुत ही अच्छी इसकी टेस्ट बन जाती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम स्वाद अनुसार डाल देंगे पानी। तो आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा अगर ग्रेवी रखना चाहते हो तो पानी बढ़ा सकते हो, नहीं तो लगभग 1 कटोरी पानी इसमें काफ़ी है। तो अब इसे हम क्या करेंगे ना, सारे मसाले को अच्छे से निकाल करके बिल्कुल भी मिक्स कर लेंगे, और देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा ये कलर आ चुका है सब काजू बटर पनीर का। तो अब इसे हम धीरे धीरे करके लो फ्लेम पे पका लेंगे। तो ज़्यादा नहीं, 2 मिनट के लिए इसे हम ढक करके पका लेंगे, और अब 2 मिनट हो चुका है। तो इसे हम हटा लेते हैं ढक्कन को, और देख लेते हैं कि कितना अच्छा से हमारा ये कुक हो चुका है बिल्कुल भी। ये हमारी ग्रेवी पक के रेडी हो चुकी है। तो अब इसे हम गैस का फ्लेम क्या करेंगे कि कम कर देंगे। ऊपर से हमने यहाँ पे डाल देंगे धनिया, और तो धनिया पत्ता डाल करके इसे हम सर्व करने के लिए रख देंगे। तो इस तरह से प्लीज़, अगर आप लोग मेरी रेसिपी अच्छी लगती है, थोड़ी भी मेरी रेसिपी अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और फुल वॉच करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय।